बीकानेर में दिवाली का पर्व धार्मिक उल्लास और परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। मुख्य बाजारों में दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, वहीं मिठाइयों की दुकानों पर भी लंबी कतारें नजर आ रही है। दिवाली के मौके पर अनहोनी से बचने के लिए कई तरह के सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। बीकानेर में बिक रहा है, आसपास के गांव देहात लोग खूब आ रहे हैं, इधर माल बन रहा है, इधर बिक रहा है। पूरी स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं सब आदमी, हर चीज़ का ध्यान रख के। या पूरे समझ लो 100 किलोमीटर का एरिया का ग्राहक आ रहा है। लगता है कि हर आदमी थोड़ा पैसा लाने से डर रहा है, क्योंकि चेकिंग हो रही है हर जगह, तो हर आदमी थोड़ा बस पैसा लिमिटेड ला रहा है, तो मिठाई लिमिटेड ही खरीद रहा है। 10-20 हज़ार से ऊपर कोई ला नहीं रहा है, तो मान लो जिसको 10 किलो चाहिए वो 5 किलो ले रहा है। और शहर की आबो हवा देख करके कोरोना के बाद में पहली बार मन इतना ज़्यादा प्रफुल्लित और उत्साहित है कि पहली बार लोगों को कोरोना काल के बाद में लोकल खरीदारी करते देखा है। ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज लगता है कि अब ख़त्म हो चुका है। लोगों ने स्थानीय कामगारों द्वारा बने हुए अलग अलग प्रकार के आइटम्स खरीदने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं और खूब भीड़ भाड़ से दिल से खरीदारी कर रहे हैं। और लोकल बने हुए आइटम से मजदूर वर्ग ने जो अपने दिल से इन आइटमों को बनाया है उसको वो लोग खरीद करके बहुत ही उत्साहित है और कम दामों में बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है। और शहर के अंदर सौहार्द और प्रेम और भाईचारे के इस त्यौहार के मौके पर लोग खूब मिलजुल करके खूब खरीदारी कर रहे हैं। हम बीकानेर में टीम सावधान इंडिया 007 की तरफ से संभवतः हिंदुस्तान के पहला ये संगठन है जो देशवासियों को शहरवासियों से कहीं भगवान न करे कोई आगजनी दुर्घटना हो जाती है तो हमारी टीम अग्निशमन यंत्रों के साथ में कंजेस्टेड गलियों में मोहल्लों में अपने खंधों पर अथवा 2 पहिया वाहनों के साथ में जाकर के आग पर काबू पाने का काम करते हैं। ये टीम सावधान इंडिया 007 की ओर से 8-10 साल से बीकानेर के शहरी वासियों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही है। मिनी फायर स्टेशन स्थापित करते हैं, मेडिकल हेल्पलाइन हमारे यहाँ पर है, सभी आपातकालीन स्थिति में रक्तदान के लिए भी हमारी टीम तैयार है।